Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, तो जो बोलता है वो अपने लिए मैं या हम शब्दों का इस्तेमाल करता है। तुम और आप, यह सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हुई, वक्ता, अतः मैं अपने लिए मैं या हम शब्दों का प्रयोग करूँगी। और आप सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए तुम या आप शब्दों का प्रयोग करूँगी। और यह, वह, ये, वे आदि शब्द किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उनमें से सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, अतः यह उत्तम पुरुष है। यहाँ उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरा घर मुंबई में है। इन वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए कहा है कि मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरा घर मुंबई में है। अतः मैं, मेरे, मुझे, मेरा उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, इसमें तुम मध्यम पुरुष है, यानी जो हमारी बात सुन रहा है या सुन रहे हैं उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। इन वाक्यों में आपको, तुम, तुम्हारा, तुमको मध्यम पुरुष हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अंतिम भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है उन शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ लेकिन मैं उससे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, यानी मैं अपने लिए बात नहीं कर रही और मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके बारे में भी बात नहीं कर रही।
मैं उसको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। यह अन्य पुरुष के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। इस वाक्य का मतलब यह है कि मैं जो मेरे सामने व्यक्ति है उसको बता रही हूँ किसी तीसरे के बारे में, ये कि वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, तो वह शब्द अन्य पुरुष है। दूसरा वाक्य है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, तो मैं यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ उसका अन्य पुरुष होगा। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखेंगे, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय का अर्थ है जो निश्चित हो, यानी जो पक्का हो। इसलिए कहा गया है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो कि हाँ ये बात पक्की है, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, यह कार मेरी है। इसमें निश्चित है कि यह जो कार है वो मेरी है। दूसरा उदाहरण है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है। इसमें भी यह निश्चित है कि जो मोटरसाइकिल है वो तुम्हारी है। तीसरा उदाहरण, ये पुस्तकें मेरी हैं। ये बात निश्चित है कि जो पुस्तकें हैं वो मेरी हैं। चौथा उदाहरण, ये मिठाइयाँ हैं। इसमें ये बात निश्चित है, पक्की है कि वे मिठाइयाँ हैं। पांचवा उदाहरण, यह एक गाय है। इस वाक्य में यह निश्चित है कि गाय को देखकर ये बताया जा रहा है कि यह एक गाय है। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद देखेंगे। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें निश्चित नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है, इसमें पक्की बात नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हैं कुछ या फिर कोई। ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाले शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, मुझे कुछ खाना है। यहाँ कुछ से समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है, कोई पक्की बात नहीं हो रही कि क्या खाना है, इसलिए इस शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। दूसरा वाक्य है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि कुछ गिर गया है, पक्का नहीं पता चल रहा कि क्या गिर गया है, तो यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला वाक्य है, कोई आ रहा है। कोई से यह तो पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, तो इसमें कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः इन वाक्यों से वक्ता सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन इसमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अतः कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।